तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा था। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। मनुष्य ने किसी एक स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना किस युग में सीखा। तो सही जवाब हो जाएगा नवपाषाण युग में। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। सही जवाब हो जाएगा कुमार गुप्त। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल राज्य सिंहासन पर कौन बैठा। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद। सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह का पुत्र। अगला क्वेश्चन है शिवाजी ने अपने किस पुत्र को औरंगजेब की सेवा में भेजा था। शिवाजी ने अपने किस पुत्र को औरंगजेब की सेवा में भेजा था। सही जवाब हो जाएगा संभाजी को। अगला क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु कब हुई। सही जवाब हो जाएगा शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जीके जीएस में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने क्या नारा दिया था। सही जवाब हो जाएगा वेदों की ओर चलो, स्वामी दयानंद ने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है। पृथ्वी के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है। सही जवाब हो जाएगा ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ताप का माध्यम क्या होता है। वायुमंडल में ताप का माध्यम क्या है। सही जवाब हो जाएगा विकिरण है। अगला क्वेश्चन है ज्वारभाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। ज्वारभाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा का आकर्षण। अगला क्वेश्चन है परमार वंश की स्थापना किसने की थी। परमार वंश की स्थापना किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा उपेंद्र राज ने। तो फ्रेंड्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।